Hey, chacha. Silpa ka dekho. Yeah, yeah. इनको देख रहे चाचा चाचा हमको देख रहे मुझे वो हसीन दर्द दे दो ये लीजिए ताजा ताजा हसीन दर्द। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, तो यहाँ पे गौर से फरमाइए और यहाँ पे जरा मतलब अपनी आंखों को इधर लाइए। और यहाँ पे मैं उतर रहा था जॉर्जो पुल, क्योंकि यार यहाँ पे प्लेन पाथ था हमारा जॉर्जो पुल से, पता नहीं किधर विधर जा रहा था। उधर जाने तो हमें तो उतरना था जॉर्जो पुल, तो यहाँ पे हम जॉर्जो पुल के कंटेनर पे उतर जाते और उसके बाद देखो आपकी होता है क्या। और मैं यहाँ पे गन की तलाश में आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पे गन मिल जाती है और बंदा भी सामने दिख जाता है, तो उसको मैं खत्म करने के बाद गाइस आ जाता हूँ इस साइड। और इस साइड एक बंदा अभी अभी कूदता है, तो भाई मुझे इसका समझ में नहीं आता ये कौन सा लैंडिंग कर रहा था, क्योंकि इतना देर में लैंडिंग नहीं होता भाई। इतने देर में मरते का आप आसार दिखता है और ऊपर से आप भैया मतलब मेरे सामने आ जाओगे, मतलब भैया हम ही है खिलाड़ी, हम ही है पिरो, और तुम आके मेरे मतलब मुंह पे चिपको, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। तो हम यहाँ पे उनको खत्म कर देते और आगे बढ़ते। और यहाँ पे हम जैसे ही आगे आते तो यहाँ पे आता है भाई फुट स्टेप। अब भाई तेरा देखो कैसे हैंडल करता है इस फुट स्टेप को। और भैया यहाँ पे वो बंदा देख रहा था पीछे के साइड, और यहाँ पे मैं आसानी से उसका किल निकाल लेता हूँ। और आपका भाई सोलो इसलिए खेल रहा है क्योंकि यार आपका भाई सोलो फिर से पुश कर रहा है। जी हाँ गाइस, तो यार इस बार पीएमसीओ भी है और हमें सोलो पुश भी करना है। और यहाँ पे मैं आसानी से आ जाता हूँ और इधर उधर देख लेता हूँ कि कोई बंदे तो मेरे पीछे साइड नहीं है। तो फिर आगे मुझे पता चलता है फायरिंग के आवाज से कि बंदे यार वेयर हाउस में है। अब यार यहाँ पे देखो तेरा भाई करता क्या है। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं उसकी गन उठाऊंगा जो कि उसके पास था भाई M4। तो आपका भाई एमओ उठाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। कोई बात नहीं यार, सब गिरते हैं, नीचे गिर के उठना ही यार जिंदगी होता है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फिर से यहाँ पे गन लूटेंगे। और यहाँ पे मैं AK लेने का सोचता हूँ पर नहीं लेता हूँ, बिकॉज यार बाइजन में यार 53-52 एमओ लगती है यार, 52 एमओ रिलोड होती है तो बहुत चीज बड़ी होती है। अब यहाँ पे मुझे सामने बंदा दिख जाता है तो देखो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। तो ये जॉर्ज पुल में हमसे बढ़ जाना है यार मामूली बात थोड़ी है, तो यहाँ पे हम इनको भी लटका देते हैं। अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं और आगे देखो आगे वेयर हाउस की तरफ से फायरिंग आता है। हम फिर आगे बढ़ते हैं और वेयर हाउस की तरफ से यार दो बंदे को आसानी से पेलते हैं। जरा देखते जाओ, यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है और तेरा भाई इनकी फाइट में आके मजे उठा लेता है। इसलिए बोला जाता है भाई दो लोग कभी आपस में लड़े ना तो उनके बीच में यार मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है, सीरियसली बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये बंदा पता नहीं यार आसमान से उतरा था और खजूर में लटका था, वही वाला सीन था। मुझे लगा ऊपर से कूदा ये और ये मेरे चंगुल में आके फंस गया। अब भाई यहाँ पे मेरे को भाई यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा था, थोड़ी मैं रोटेट करता हूँ इधर से और उस साइड फायरिंग आ रहा था, यहाँ से मैं रोटेट करके उस साइड की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पे भाई कुछ लोग मुझे समझेंगे जादूगर, यार कुछ तो यार बात है इसमें, जादूगर तो समझेंगे ही मुझे, पर लेकिन यार भाई कुछ ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि यार ये बंदा स्मोक में से आने से पहले यहाँ पे मुझे कूदता हुआ दिख जाता है और मुझे समझ में आ जाता है ये लूटने के लिए आया। उसके बाद मैं ऐसे ही रैंडम फायर देता हूँ और वो मेरे चंगुल में फंस जाता है और जानते हो रैंडम फायर में वहाँ पे सोक कर देता है। तो गाइस यहाँ पे मैं आसानी से लूटता हूँ और मेरे साथ देखो अभी होता क्या। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि यार जॉर्जो पुल पूरा क्लियर हो चुका है, पर लेकिन यार आगे में बहुत ही गजब फाइट होती है हमारी। अब यहाँ पे देखते जाओ मैं कैसे हैंडल करता हूँ उस फाइट को, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस फाइट की ओर। तो भाई यहाँ पे एक फुट स्टेप आ जाता है मेरे को समझ में आ जाता है इस कंटेनर के अंदर कोई है। और ये फाइट भाई ये फाइट बिल्कुल आसान नहीं होता, ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल था,
क्योंकि वो बंदा ऊपर था और मैं यहाँ पे नीचे। देखो आपका भाई कैसे हैंडल करता है इस फाइट को। और भाई ये था फायदा बाइजन का। जी हाँ गाइस, अगर ये गन नहीं होती मेरे पास तो मैं यहाँ पे मरा हुआ होता। अब देखो आगे गाइस, एक और बंदा मुझे आसानी से मेरे को फुट स्टेप आ जाता है और देखो मैं उसको कैसे खत्म करता हूँ। और भाई ये भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद मुझे समझ में आ जाता है यहाँ पे जॉर्जो पुल तो पूरा क्लियर हो गया, पर फिर भी मैं एक बार चक्कर मार लेता हूँ और देख लेता हूँ क्योंकि मुझे 5.56 की एमओ भी चाहिए होती है। और भाई ये इसके क्रेड में भी नहीं मिलता है मुझे यार कोई 5.56 की एमओ, तो यहाँ पे मैं पूरा जॉर्जो पुल छान बान के एमओ निकाल के लाता हूँ और मुझे सीरियसली एक बंदे के पास मिलता 200 एमओ। जी हाँ गाइस, एक बंदे के क्रेट में मुझे मिलता 200 एमओ। तो भैया यार अगर तुम खेल रहे हो या फिर ये वीडियो देख रहे हो तो ये भाई क्यों करते हो यार, इतना अन्याय क्यों करते हो? मतलब किसी बंदे के पास यार लड़ने के लिए एमओ नहीं है बहनचोद, तुम्हारे पास 200 एमओ पड़े, मतलब यार थोड़ा सा समझा करो भाई। स्टार्टिंग में कूदते हो तो एक गन उठाया करो यार, 50-60 एमओ उठाओ, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया करो भाई, क्यों मतलब ऐसा क्यों करते हो? और भाई उन चूतियों से मैं बात करना चाहूँगा जो कि यार फ्लेयर गन मिलने पे तुरंत भाई मुंह पे चला देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं। यार एक तो यार बड़ा मुश्किल से हमें फ्लेयर गन मिलता है, तुम बहनचोद उसको भी चलाने नहीं देते हो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं आगे की गेम प्ले पे, और अभी एक सीन होने वाला है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या सीन होने वाला है। और यहाँ पे गाइस मुझे कुछ मूवमेंट दिखता है उस साइड, तो मैं यहाँ पे फायर देता हूँ और मुझे यार सच में मतलब यकीन नहीं था कि वहाँ पे बंदा है और सच में वहाँ पे बंदा निकलता है। तो और यहाँ पे गाइस मैं बगी और गाड़ी की कोई तलाश में देखता हूँ तो आगे मुझे एक बगी दिख जाता है, तो उस बगी को लेके मैं उस पर पुश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है, मैं यहाँ पे गाड़ी घुमाता और यार बगी था यार, और मेरा तो भाई यहाँ पे लगने वाली थी मेरी, क्योंकि उस बंदा को भी पता है कि मैं आ रहा हूँ उस पर पुश करने और भाई मेरी तो लगा देता, पर खैर मनाओ कि बच गया हमारा बगी। और यहाँ पे फिर से हमने पेड़ में टकराया और यहाँ पे तो ऐसे ही स्टंट मार रहे थे, मतलब हम ही है भाई खिलाड़ी, हम ही है पीरो, और देखो इस पर हम कैसे नेडो की बरसात करेंगे ब्रो। और ये नेट गलत जाता है यार, देखो तो आपका भाई को यार फुट स्टेप मिल जाता है जब मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे मेरे को फुट स्टेप मिल गया था कि ये बंदा इस साइड आ चुका है बिल्कुल साइड में, और यहाँ पे तेरा भाई इस पे जानबूझ के मारता है नेट क्योंकि आके गिरे इस पे बिल्कुल, और यहाँ पे वो हो जाता है खत्म। तो यार आपका भाई है पिरो और यहाँ पे आपके भाई ने निकाल लिए है 10 किल। अब यार बारी थी यार हमें थोड़ा सा होल्ड करने की, पर आपके भाई में थी सब मतलब बेसब्री नाम का चीज़ होता है ना, वो है अपने में यार सब्र तो है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की फाइट में दिखाता हूँ, अब यहाँ पे से निकलते हैं हम लोग और बढ़ते हैं पोचिंकी की तरफ। गाइस यहाँ पे एक और सीन होता है जो कि आप देख लो, पता नहीं मेरे साथ क्या ग्लिच हो रहा था, मैं अपना स्कोप इन कर रहा था बार बार आउट हो जा रहा था, तो उसके बाद ठीक से हुआ। और ये बंदा मुझे तो लगा यार ये मार डालेगा मुझे सीरियसली, पर लेकिन यार ये बंदा इतना बड़ा नूब था कि मुझे यार देख भी नहीं पाया ये, मतलब यहीं पे फाइट चल रही है भाई, यहीं पे फाइट चल रही है, कुछ देर पहले हम लोग यहीं पे फाइट किए, और ये बंदा मतलब कौन से नशे में खोया हुआ है उसे पता ही नहीं है। चलो यार ज़्यादा कमेंट ना करेंगे और बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर और बढ़ते हैं हम लोग कोचिंग की तरफ। और यहाँ पे आपका भाई बिल्कुल यार फिरो की तरह यहाँ पे गाड़ी ठोक देता है, लगा देता है, और यहाँ पे मुझे फायर की आवाज आ जाती है, अब मुझे पता चल जाता है बंदा है का, पर लेकिन टोटल बंदे तो पता नहीं होते मुझे, पर लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे पहुंच जाता हूँ और मैं उसे यार मार सकता था आसानी से, पर मुझे क्यों लग रहा था यार कि थोड़ा सा और वो इस साइड आ जाए तो मैं उसको अच्छे से ले पाऊं,
वही मिस कर रहा था मैं, ये बहुत ही ज्यादा हिल रहा था और मैं चाह भी नहीं रहा था कि यार मेरे से ये चांस छूटे उसका, क्योंकि उसे तो पता नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। तो यार मैंने बस 1 HP बचा, वो अगर एक गोली और लग जाता ना, और इसके बाद फिर से यहाँ पे आया, मतलब यार कितना बड़ा चूतिया था वो। लेकिन वो चूतिया होता नहीं है गाइस, हम लोग चूतिया बन जाते हैं। अब यहाँ पे नेट हमारे पे ही गिरता है इसलिए हम वापस आ जाते हैं, और वो मुझे यार अभी ना वो नीचे कूद के मार सकता था, बट उसने उसने ऐसा किया नहीं, तो यार बहुत ही भला है यार उसका। और वो बैंडेज ले रहा था, और यहाँ पे मुझे आके पता चलता है भाई कि वो आगे वाले ही घर से फाइट ले रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि आगे भी बंदा है और फुट स्टेप भी आ चुका था। तो मैं यहाँ से यार पीछे आ जाता हूँ, और मेरे को लगता है यार देखो ये बंदा तो ऊपर ही है, तो मेरे को लगता है यार बिल्कुल यहाँ पे से बचना ठीक है, तो यहाँ पे से दम बिल्कुल निकल ही लेते हैं। यहाँ पे रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि एक ही घर पे तीन तीन बंदे, यार सही नहीं, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। और यहाँ पे से मैं उस बंदे को कोशिश कर रहा था स्पॉट करने का कि वो है कहाँ, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और मैं फुट स्टेप्स वगैरह सुन रहा था यहाँ पे, क्या फुट स्टेप कहाँ पे जा रहे हैं। अब इसके बाद देखो यार फाइट होती है हमारी, जो कि मैं फिर से दो लोगों की फाइट में मजे लेता हूँ। और यहाँ पे आपका भाई आता है बिल्कुल आगे और जोन में जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे मेरे से एक गलती होती है यार। वो गलती ये थी कि मैं ओपन में गाड़ी रोक देता हूँ, और फिर देखो आप लोग होता क्या है, देख और यहाँ पे मुझे उस बंदे का यार फुट स्टेप तो नहीं कह सकते, पर उस बंदे का मुझे कुछ ना कुछ तो दिख ही गया था, और यहाँ पे मुझे वो दिख गया था तो मैं आगे ले रहा था, पर लेकिन यार मुझे उधर साइड से एक फायरिंग की आवाज़ आई और वहाँ पे से बंदे यार स्पॉट कर लिया था मैंने। अब मैं भाई दोनों तरफ से उठ गया था। अब यहाँ पे मेरे को ये, जब मैं उसको फायर दे रहा था तो यहाँ पे मेरे को ये ख़त्म कर देता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो यार, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो यार बताओ, और मुझे कमेंट करके बताओ मैं और ऐसे गेम प्लेज डालूं या नहीं डालूं। तो चलिए गाइज मिलता हूं आपसे नहीं और अगली वीडियो में, जब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।